आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। विधानसभा चुनाव के तीन चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। यूपी में अब पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। अमित शाह ने प्रयागराज और प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा की और सपा पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी प्रयागराज समेत कई जगहों पर चुनावी जनसभा की और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी में अब पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। सभी पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व प्रचार करने में जुटा हुआ है, तो वहीं बाहुबली माफिया के बहाने प्रयागराज से सपा पर अमित शाह ने निशाना साधा। प्रयागराज में शाह ने कहा कि अगर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान को जेल में रखना है तो फिर से कमल खिलाना है। अतीक अहमद का सपा और बसपा में जलवा था। कोरोना वैक्सीन को लेकर शाह ने अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो कहते थे कि ये मोदी का टीका है, वैक्सीन मत लगवाइए, खुद 10 दिन बाद जाकर वैक्सीन लगवा लिया। शाह ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कई सालों तक देश पर राज किया। उन्होंने जगजीवन राम और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने के अलावा कुछ नहीं किया। इतने साल हो गए, बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला था। जब कांग्रेस पार्टी गई तब बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम हुआ। किसान को 5 साल तक बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, बिजली मुफ्त में। माताओं, भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिया है, जिसके तहत 5 लाख तक का सारा इलाज मोदी जी मुफ्त में कराते हैं। मित्रों, अखिलेश और बहन जी ये कभी कर नहीं सकते। अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि टीका मत लइयो, ये मोदी का टीका है, आपको तो ना बोल दी, 10 दिन में अंधेरे में वो खुद टीका लगा है। ये तो अच्छा है यूपी वाले उनकी सुनते नहीं है, वरना ये तीसरी लहर में आप लोग सलामत होते क्या? कोरोना हो जाता है नहीं हो जाता है? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी विधानसभा चुनाव के रण में गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रतापगढ़ के रानीगंज में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। इस मौके पर अमित शाह ने एक बार फिर से सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014, 2017 और 2019 में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भाजपा को जिताने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाजपा सरकार गरीबों, पिछड़ों और दलितों की सरकार है, ये समाजवादी पार्टी वाले तब मजाक उड़ा रहे थे। अखिलेश बाबू, हम हिसाब देने आए हैं और आपका हिसाब मांगने भी आए हैं। दिल्ली में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद महापरिनिर्वाण स्थल बनाया गया और मुंबई में चैत्य भूमि बनाकर हमें उषा के लिए बाबा साहब को अमर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अलीपुर के अंदर म्यूजियम के रूप में उसको विकसित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, इस सपा बसपा बसपा सपा जातिवाद के आधार पर चलने वाली ये पार्टियां, परिवारवाद के आधार पर चलने वाली ये
तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी प्रयागराज में चुनावी रैली को संबोधित किया और बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। पांचवें चरण के चुनाव का प्रचार कर रहे अखिलेश ने कहा कि झूठ बोलने वाले बीजेपी के लोग आज फिर आपके बीच वोट मांगने आए हैं, लेकिन जनता का सपा के प्रति समर्थन बता रहा है कि बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। प्रयागराज के लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसने बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई और हर वर्ग को धोखा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट देने के लिए बोल रहे हैं? बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने के नहीं बोल रहे हैं? और अगर इनके भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने के लिए बोल रही? जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो आज जनता के बीच फिर वोट मांगने आए हैं। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि इनको माफ नहीं करेंगे, इनको साफ करेंगे, साफ कर देंगे। ये कर्शना के मैदान में जहां हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कर्शना का उत्साह और आसपास की विधानसभा का समर्थन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों के चने चबाने पड़ेंगे। पांचवें चरण का चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां अपना चुनाव प्रचार जोरों शोरों से करने में लगी हुई हैं। पर ये तो 10 मार्च को ही पता लगेगा कि इस बार किस पार्टी की जीत का परचम लहराएगा। और इसी के साथ प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।